लारा का बॉलीवुड करियर एक मिक्स बैग रहा है। उन्होंने बी टाउन में अपना डेब्यू किया था 2003 में अक्षय कुमार के साथ फिल्म अंदाज में, और ये फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं चली थी, लारा को इसके लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। लेकिन इसके बाद लारा की किस्मत ने समरसॉल्ट मारी। उनकी सारी फॉलो अप फिल्में मुंबई से आया मेरा दोस्त, बर्दाश्त, आन, ऐलान और जुर्म एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर डब्बा हो गई। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे लारा बेबी का करियर बहुत ही जल्दी रैप अप हो जाएगा, लेकिन यहीं पर तो हर लक चेंज्ड येट अगेन। आउट ऑफ द ब्लू उन्हें बड़े बड़े स्टार्स के साथ दो बड़े बड़े बैनर्स की दो बड़ी बड़ी फिल्में मिली, वंस वाज अ केज प्रोड्यूस्ड काल और दूसरी अनीस बाजमी की मैड कैप मल्टी स्टार कॉमेडी नो एंट्री। नो एंट्री बहुत ही स्पेशल फिल्म है। एक तरफ काल में वो इतनी हॉट, सिजलिंग और यमी लग रही थी कि एवरीवन सैट अप एंड टुक नोटिस, और दूसरी तरफ नो एंट्री तो हो गई सुपर डुपर हिट, और जॉइंटली ये दोनों फिल्में लारा बेबी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इन्हीं फिल्मों की वजह से तो आगे चलकर भागम भाग, झूम बराबर झूम, पार्टनर, बिल्लू ब्लू और हाउसफुल जैसी मेगा फिल्में लारा की किटी में आई। बैक टू बैक 4-5 फ्लॉप्स के बाद सलमान, दबंग खान, अभिषेक कूल डूड बच्चन, जॉन रॉकस्टार अब्राहम, अनिल एवरग्रीन कपूर और क्यूटी पाई गोविंदा जैसे सुपरस्टार्स के साथ हिट हिट फिल्मों में लारा ने एक स्मैशिंग कमबैक किया। I've worked with Dharma Productions, I've worked with Yash Raj, I've worked with Red Chillies, pretty much, you know, all the big wigs in the business. मतलब कि luscious Lara has arrived, baby. और इसलिए तो काल और नो एंट्री की उनके करियर में इतनी अहमियत है। No wonder उनका ये टर्निंग पॉइंट है, उनका स्टारडम नंबर 4।